गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बहुत कमेंट आता था कि क्यों नो वीडियो बनाने के लिए, आज भी घर पर आए हुए हैं और थोड़ा सा आए हुए बाहर में, घर से बाहर है। दोस्तों सवाल तो करीब 1000 आ चुका है, तो कोशिश करते हैं सबका जवाब देने का। ठीक है दोस्तों, ट्राई करते हैं कि लगभग हम भी चाह रहे हैं कि पूरा सबका जवाब दे दे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्यों नो वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है ऑन द वे की तरफ से, ड्राइविंग लाइन में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताइए और कभी चंदा मांगने वाले से फेस किया है कि नहीं। दोस्तों चंदा का तो ऐसा है कि जहाँ पूरा हिंदुस्तान में तो नहीं बता सकते हैं, कि जहाँ तक हम गए हैं वहीं तक बता सकते हैं कि हमारे जैसे झारखंड के आसपास में उड़ीसा है, बंगाल है, तो हम लोग कोई भी गाड़ी वाला से पूछ लीजिएगा जो बंगाल चलने वाला है, हम लोग को बंगाल में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब वहाँ पर चंदा जो है कि मनमानी है और मतलब ज़बरदस्ती है कि तुमको इतना बोल दिया तो देना ही पड़ेगा। और हमारा झारखंड बिहार यूपी में ये सब नहीं है, वो 10-20-50 तक ही मानता है और उधर तो वो सब नहीं है। कई बार ऐसा पंगा भी हुआ है कि हम लोग गुस्सा से गाड़ी खड़ा कर देते हैं तो वो लोग भी बोलता है कि जे खड़ा कर दो, हमको क्या है। तो 2-4 घंटा खड़ा होने के बाद फिर कोई ना कोई आदमी से पूछते हैं तो बोलता है भैया कोई फ़ायदा नहीं, खड़ा होकर के दे के निकल जाओ, उसी में बेहतर होगा। तो वही फिर दे के निकल जाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस विषय में स्टेट का किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ बीता हम वही चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग और स्टेट में हैं कि नहीं है उतना, हाँ हो सकता और भी कोई स्टेट में होगा, लेकिन हम वहाँ नहीं गए हैं तो हमको उतना नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम गए हैं वहाँ तक हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों अगला सवाल है प्रियांशु यादव जी की तरफ से, ट्रक ड्राइवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अगर हम लोग गाड़ी लेकर चल रहे हैं और किसी जंगल उंगल में अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग को बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। एक तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं गाड़ी छोड़ करके, और रात में गाड़ी में लूटपाट भी होने का डर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि डीजल निकल गया, कोई ज़बरदस्ती कोई वैसा एरिया अगर मिला तो कोई ज़बरदस्ती टायर भी खोल लेता है, उतर के जाओ मना करने तो चाकू छुरी दिखाने लगता है। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि गाड़ी कहीं जंगल में कोई ऐसा जगह ख़राब ना हो कि जहाँ हाँ कहीं बाजार में खड़ा हो, सिटी में खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जंगल घाटी में होता है तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। छोड़ के मतलब कहीं जा नहीं सकते हम लोग, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर रात में वैसा एरिया रहा तो ऐसा ज़बरदस्ती हो जाता है। तो कई ड्राइवर को ऐसे हम लोग रोड में चले हैं तो कई ड्राइवर को देखे भी हैं, वो हादसा हुआ है। कोई लोग में कहानी सुनाता है कि मेरा कंपनी में ऐसा हुआ था, उसके साथ में ऐसा हो गया, मारपीट कर दिया, चाकू मार दिया, तो ये कर दिया। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई घाट एरिया रहे, गाड़ी मेरा अगर पुराना है ख़राब है तो उसको दिन में पार करने के लिए सोचते हैं कि अगर दिन में कुछ हो जाएगा तो दिन में काम करा के अपना निकल जाए। तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा बोधरेशन होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आयुष जी की तरफ से, राजेश जी जब आप पीछे मुड़ के अपने पुरानी लाइफ को देखते हो तो क्या महसूस करते हो, और दिन भर कैमरे के सामने रहने से आपको कैसा महसूस होता है। दोस्तों कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बस सिर्फ यही है कि पहले कहीं भी खड़ा रहते थे तो अपना जो काम है गाड़ी का, खाना वाना बनाना या कुछ करना, तो मैंने अकेले फुर्सत में बना के बैठ के बनाते रहते थे। अभी क्या है कि जहाँ कहीं भी रुकते हैं तो कोई ना कोई मिलने आता तो अच्छा लगता है हमको कि लोग हमको पहचानता है, डायरेक्ट नाम से राजेश जी करके नाम से बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो एक ड्राइवर गाड़ी खड़ा करके खाना बना रहा कोई मतलब नहीं, कोई बाइक वाला चला गया, कार वाला चला गया, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अपना जो काम है शुरू से जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, सिर्फ कैमरा के सामने फेस हो रहे हैं अभी, वो भी उतना कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि खाना तो अपना बनाना है और आराम करना है, गाड़ी खाली करना, लोड करना, ये तो शुरू से चलते ही आया है, अब कैमरा के सामने हो रहा है। और ये चीज़ है कि अब मेरे जो दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे खानदान के लोग हैं, वो लोग को अब समझ में आता है कि हाँ राजेश बाहर क्या क्या तकलीफ झेलता है या क्या क्या, मतलब खुश भी रहता है, कहीं कहीं घूमने जाता है, वो सब अब उन लोगों को सब कुछ दिखता है। अब पहले ये चीज़ समझ में नहीं आता था कि राजेश बाहर में क्या करता है, लेकिन अब उन लोगों को पता चल रहा है कि राजेश क्या क्या करता है बाहर में। दोस्तों और जहाँ तक पीछे मुड़ के देखने की सवाल है, वो कोई ख़ास फर्क नहीं है, पहले जैसा हम थे वैसे आज भी हैं, बस थोड़ा सा ये नाम राजेश के साथ में एक यूट्यूबर जुड़ गए हैं कि राजेश आजकल यूट्यूबर मतलब बन गए, लोग भी पुराना दोस्त हो या नया कहीं भी मिलता है साथ में तो अब अच्छा लगता है कि लोग बोलता है कि चलो हमारे एरिया का यूट्यूबर है, या हमारे गांव से भी कई बार बोलता है कि हमारे गांव का भी यूट्यूबर है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेसी कुणाल जी की तरफ से, राजेश अंकल आप ड्राइवरी कितने साल से कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ड्राइवरी जहाँ तक सवाल है, हमको तो पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, हमको करीब 25 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए, मतलब 90 से हम ड्राइवरी कर रहे हैं अभी। और उस समय जिस समय हम ड्राइवरी नया कर रहे, उसमें डीजल का रेट था 9 रुपये लीटर, डीजल 9 रुपये लीटर चलता था, और अभी देख रहे हैं 100 रुपये लीटर हो गया, 100 से पार हो गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है योर हब की तरफ से, आप एडिटिंग कौन से डिवाइस से करते हैं।
तो दोस्तों ये तो पहले भी कई बार बता चुके हैं, आप लोग दिखा भी चुके हैं, हमारा मोबाइल सही होता है, सैमसंग अल्ट्रा करके है, क्या नाम है, सैमसंग S22 अल्ट्रा। सब हमारा काम इसी से होता है, यही लोग अच्छी तरह से बता सकता है नाम को, क्या नाम बताओ फिर से, सैमसंग S22 अल्ट्रा। और F का क्या, VN, यही लोग बता देगा अच्छी तरह से, VN का है, F जो है और मोबाइल का नाम। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है राहुल शर्मा की तरफ से, रोहित कब वापस आएगा? तो रोहित का तो ऐसा है, बता नहीं सकते उसका, जब तक तो मेरे साथ रहा, हालांकि इससे पहले बहुत साल स्टाफ रहा है, खलासी लोग रहा है, सब ड्राइवर बनबन के चला गया है, सब गाड़ी चला रहा है, तो ये थोड़ा सा ये भी गया है, इसको भी लग रहा है कि हम भी ड्राइवर बन गए हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से भी नहीं हुआ है, लेकिन वो भी किसी के बहकावे में आ जा रहा है, और वो भी चाह रहा है कि अब हम मतलब ड्राइवर बन गए हैं, तो इतना छोटा उम्र में कोई गाड़ी भी नहीं देने वाला उसको, तब तक ये लोग क्या करता, छोटा गाड़ी में ट्राई करता है लोग, तो हमको भी रिपोर्ट मिला है कि छोटा गाड़ी का ट्राई में है, और लाइसेंस को है नहीं अभी, और लाइसेंस के लिए भी थोड़ा इधर उधर दौड़ धूप कर रहा है वो, तो हम भी चाहते हैं कि आके कम से कम साल दो साल और रह ले, तो कुछ उम्र भी हो जाएगा और दाढ़ी मूछ भी आ जाएगा, तो लोग समझे कि हाँ उम्र है, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रास्ता में बहुत प्रॉब्लम होता है, जितना जो चेकिंग वाला होता है ट्रैफिक वाला, कोई भी बच्चा देखता है गाड़ी स्टेयरिंग में तो पहले हाथ मारता है, और पहले लाइसेंस ही पूछता है हम लोग से, हम लोग तो पास लाइसेंस नहीं भी रहेगा तो हम लोग हाथ ही नहीं मार सकता है, वो देखता है गाड़ी में पुराना ड्राइवर बैठा हुआ है, वही थोड़ा भकाम आया हुआ अभी। दोस्तों मेरा तो पूरा कोशिश है कि मतलब आ जाए, आ करके पूरा हाथ साफ कर ले, पूरा ड्राइवरी कर ले, मतलब पूरा अच्छी तरह, और भी लड़का लोग ड्राइवरी कर रहा है सब, और मेरे ही नाम ऊंचा हो रहा है कि हाँ उसके हाथ का चेला है, मगर ये आधा उधा में अच्छा नहीं लगता है ना, वो भी दूसरे के बहकाव में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम भी इंतजार करेंगे, और कोशिश भी रहेगा मेरा कि आ करके पूरा कम से कम साल दो साल और रह करके पूरा अच्छी तरह टंच हो जाए, कि रास्ता में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी की तरफ से, ट्रक कब तक चलाएंगे और चैनल को लेके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, थोड़ा रिपीट कंटेंट हो रहा, दूसरा रूट ट्राई कीजिए। तो रूट का लेके ऐसा है कि चेंजिंग तो होगा, बहुत जल्द चेंज होने वाला रूट। ट्रक चलाने का जहाँ तक सवाल है, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक तो ट्रक चलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी हमको ज़्यादातर ट्रक में ही मतलब मन लगता है, कि आदमी को हमेशा कोई ना कोई पोजिशन लेकर रहना चाहिए, क्योंकि तभी जिंदगी चलता है। अरे से घर पे क्या, घर पे टीवी देखो, आराम करो, खाना खाओ, लेट जाओ, ये मज़ा नहीं है जिंदगी का। जिंदगी में मज़ा है कुछ ना कुछ बोधरेशन रहना चाहिए आदमी को। अब ट्रक लाइन में जानते ही हैं, रहता ही है, कभी खाली करना, लोड करना, बारिश आ रहा है जल्दी तिरपाल मारना है, तो रास्ता ख़राब है। तो ठीक है दोस्तों, जब तक हाथ पर चलेगा, जब तक ठीक रहेंगे, तब तक हम चलाते ही रहेंगे गाड़ी, गाड़ी छोड़ने वाला नहीं है अभी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है सनी SKG के तरफ से, अंकल जी जब सागर भैया घर जाते हैं तो ट्रक पे वीडियो एडिटिंग कौन करता है? तो सनी जी ऐसा है कि आप लोग भी देखे हैं, कभी कभी शुभम आता है गाड़ी में, तो वही होता है सागर में जब एग्जाम रहता है या कुछ काम रहता है उसका, तो वो चला जाता है, तो उसके जगह शुभम आता है, और फिर बहुत जल्द शुभम आने वाला है गाड़ी में, क्योंकि सागर के एग्जाम फिर से आने वाला है, तो वही लोग दोनों भाई अपना बल्ला बल्ली कर देता है। अभी तक वैसा सिचुएशन नहीं आया है कि दोनों का एक साथ एग्जाम पड़ जाए, लेकिन अब हम भी कोशिश करते हैं कि एक साथ ना पड़े, क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग देखे भी सागर कभी जब घर जाता है तो कुछ ब्लॉग घर का भी बनता है, तो घर में भी रहता है, मम्मी के साथ बनाता है, और फिर हम तो गाड़ी में अकेले ही रहते हैं, तो यही है कि दोनों भाई जो अपना अदला बल्दी करते रहता है, खाली एक साथ इन लोग का एग्जाम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उस समय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्लेजिंग BMG की तरफ से, राजेश जी आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके एरिया का क्या रिएक्शन है, लव फ्रॉम मुंबई। बहुत अच्छा सवाल किए हैं, और ये होता है हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो कॉलोनी में, आप लोग देखे होंगे होली के टाइम में जो वीडियो बना था मेरा, तो देखे होंगे कि मेरे अगल बगल का आदमी लोग नहीं समझ पाता था पहले कि ये क्या करते, पहले सोचता था कि जैसे व्हाट्सअप जो होता है, व्हाट्सअप में एक दूसरे को भेजना, वो चीज़ होता था, तो लोग समझ में नहीं आता था कि यूट्यूब क्या चीज़ है। तो अभी जानने के बाद कुछ लोग तो मतलब बुराई भी बतियाता था कि अपना लड़का को लेके चला गया है, गाड़ी में साथ में रखता है, लेकिन अभी वही लोग खुद बनाना चालू कर दिया है, वो लोग भी मतलब समझ में आ रहा है अब यूट्यूब क्या चीज़ होता है। तो बहुत अच्छा सवाल किया आप, ये सवाल अभी तक नहीं पूछे थे कोई, तो आपको बता दे रहे हैं कि मतलब मेरे अगल बगल का लोग जो है कि थोड़ा सा बुराई बतियाता था, लेकिन अभी उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ अब यूट्यूब क्या चीज़ होता है, और सागर सौगम क्या मेहनत करता है गाड़ी में जा करके, अब पूरा आदमी देखता है वीडियो, हमारे आसपास के जितने भी है सब लोग देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंकित जी की तरफ से, सबसे पहले आप कौन से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे? वो हमारा पहले रिकॉर्डिंग होता है नार्जो 50A करके है, वो अभी मेरे पास है, मेरे ही पास है वो वीडियो मोबाइल है, तो उसी से मेरा पहले बनता था, और अभी तो जा करके इससे बन रहा है, लेकिन वो मोबाइल अभी मेरे पास है, उसको हम ही अभी यूज कर रहे हैं अभी।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंकित जी की तरफ से, आप लोग गाड़ी में मनोरंजन के लिए गाना सुनते हैं या नहीं? गाना तो भाई हम सुनते हैं, गाना का हम शौकीन भी है, गाना का और पेंटिंग का, जो पेंटिंग से कुछ बनाता है लोग, हमको ये सब बहुत पसंद है ये सब। गाना रात में सुनते हैं हम गाड़ी चलाते समय, अपना ब्लूटूथ के जरिए बाजा लगा हुआ मोबाइल से, किशोर कुमार लता जी का गाना रात में जब गाड़ी चलाते हैं तो मस्त लगा देते हैं, सुनते रहते हैं। अभी फोर लाइन में, खराब रोड में नहीं। खराब रोड में क्या है कि टायर पंचर होता पता नहीं चलता है, कोई आवाज़ आता पता नहीं चलता है, हम सिर्फ फोर लाइन में सुनते हैं। और सुनने का कारण ये है कि थोड़ा सा नींद भी नहीं आता है और बहुत अच्छा लगता है कि फांका रोड में अपना चलते रहते हैं गाना सुन सुन के, कुछ पुराना यादें भी आने लगता है वो सब गाना सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो गाना बहुत पसंद है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है मक्खन जी की तरफ से, क्या आपके मालिक को पता है कि आप वीडियो बनाते हैं, और जब पता चला था उनका रिएक्शन क्या था? लव फ्रॉम बिहार। दोस्तों ये तो है कि बाद में मालूम चला था, जिस समय हम गाड़ी चलाए थे तो एक दो ट्रिप के बाद ही मालूम चल गया था उनको, हमारे कोई ड्राइवर साथी लोग बता दिए थे, और तो उनको फिर चैनल खोजे हुए कि कौन सा चैनल बताओ। अब ऐसा भी हो गया किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो हमको पहचान जाता है, या सेठ को बोलता है ऐसे कि वही ड्राइवर आ रहा है ना यूट्यूब वाला, तो उस टाइप का हम थोड़ा फेमस हो गए हैं कि कौन सा ड्राइवर आ रहा भाई, तो वही यूट्यूब वाला। तो ऐसे करके हमारा गाड़ी नंबर से इतना नहीं पहचान रहा है, ऐसे पहचान रहा है कि ठीक है वही जा रहा है यूट्यूब वाला। ऐसे करके हमारा सेठ जी भी परिचय देते हैं हमारा कि लोडिंग के लिए आ रहा है भाई, तो वो जानते हैं, देखते भी मेरा वीडियो और बताते भी है कि बहुत अच्छा बना था ये बना था। तो माल जो दिखाते हैं कई बार, वो माल के विषय बोलते हैं कि ऐसा कैसा लोड हो गया था, या गलत लोड हो गया, सही लोड हो गया, ये सभी बताते हैं, वीडियो में देख लेते हैं वो, तो हमसे पूछते भी है बताते भी है। रास्ता भी कई बार दिखा देते हैं तो रास्ता ही बोलते हैं कि यार उधर का रास्ता भी बना नहीं अभी भी, वो सही है, हमने हाँ उधर का रास्ता वही है, अभी गर्दा उड़ रहा है पत्थलगांव धर्मजयगढ़ वाला, वो देखते तो बताते भी हमको, तो हम भी बता देते हैं कि हाँ वैसे ही है। तो बोले चलो हमको भी ये सब जानकारी मिल रहा है ना कि कहाँ का रोड कैसा है, वो देखते हैं वीडियो, उनको पता है और बता दिया हम लोगों को। ट्रांसपोर्टर लोग भी आजकल जान गए हमको, अगर मेरा गाड़ी का नंबर चल जाता 80 तेरा तो वो फ़ोन करेंगे तो बोले, वो यही पूछते हैं हमसे कि भैया आप वही हो ना राजेश भाई यूट्यूबर, हम लोग हाँ भाई वही है, ऐसे करके हमसे फ़ोन में बात होता है। ठीक है दोस्तों, उनको पता है सेठ को हमारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभिजीत जी की तरफ से, आप पूरा दिन कितना घंटा काम करते हो, कितना घंटा सोते हो, और मेहनत करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि कितना घंटा, जहाँ तक सोने का सवाल है तो हम लोग गाड़ी में तो 24 घंटा ड्यूटी रहता है। अब जैसा जो समय, ऐसे कि मेरा नींद तो 2-3 घंटा का है, 2-3 घंटा हम सोते हैं तो वो कई रात को 12 के भी सोएंगे तो मेरा 4 बजे नींद खुल जाता है मेरा। और मतलब जैसा जगह देखे वैसा, कई बार तो 24 घंटा जगे हुए हैं, कई बार सोए हुए भी हैं, ऐसे ही हमारा वैसे ही हमारा सोना होता है। कहीं अगर खड़े हैं फैक्ट्री प्लांट में, आप लोग भी देखे हैं पिछला वीडियो में, तो खाली नहीं हो रहा तो कई बार दोपहर में भी सो जाते हैं, अन्य तो कई बार रात भर जगते हैं। और जहाँ तक ड्राइवरी सीखने का सवाल है, जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, तो वो तो मेरे पिताजी भी घर पे ड्राइवर थे तो कुछ खानदानी असर होता है, तो उन्हीं से हम सीखे थे सब कैसे मेहनत करते थे क्या करते हैं। वो भी है, आज मेरे ऊपर भी वही चीज़ है, और हमने बाल बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि लड़का में हो तो भाई मेहनत तो करना है किसी को। मतलब मेरे पिताजी का भी हम लोग को हर सुख दिए हैं, लेकिन वो वैसा नहीं मतलब, लेकिन मेहनत की से बताते थे कि मेहनत करके दो पैसा कमाना है, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। और वही हम भी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चा को भी यही सिखाते हैं कि मेहनत के आगे हर चीज़ होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है गैजेट जी की तरफ से, यूट्यूब से कितना इनकम हो रहा है? तो यूट्यूब का इनकम को तो अच्छा ही आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। उससे अच्छा हमको लगता है कि आज हमको 7 लाख लोग जान रहा है हमको, ये आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद, ये हमको अच्छा लग रहा है। पैसा तो देखिए कोई बिजनेस करके धंधा करके भी एक आदमी पैसा कमाता ही है, लेकिन ये सब नहीं कहा होता कि 7 लाख आदमी उसको जानता है। तो आज देखिए आप लोग का ये प्यार लेकर के हमको 7 लाख आदमी जान रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। और पैसा से तो क्या जरूरत पूरा कर सकता है आदमी, लेकिन वो प्यार नहीं मिल पाता है जो लोग आज देता है लोगों को। तो दोस्तों यूट्यूब का जो इनकम से जो आ रहा है, हमारा जरूरत ही पूरा हो रहा है और अच्छा लग रहा है अभी, मतलब कुछ ना कुछ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हमारा जो जरूरत होता है वो सभी पूरा हो रहा है, धीरे धीरे आगे भी हो ही रहा है। और पैसा से बड़ी बात है कि आप लोग आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, ये हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का ये क्यूनो वीडियो यही एंड करते हैं। और दोस्तों जितना बाकी सवाल जो बचा हुआ है, बहुत जल्द हम उसका भी क्यूनो वीडियो में आपको डालने वाले हैं, बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।